है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे डिमांड से कि सर मेंसुरेशन के फॉर्मूले पे एक वीडियो डाल दो। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए स्पेशली दोस्तों मेंसुरेशन के लिए फॉर्मूले जो लगने वाले हैं आप लोग को उसके ऊपर स्पेशल एक सेपरेट वीडियो बना दिया हुआ है और सारी चीजों को हम लोग इसी वीडियो में याद कर लेंगे और समझ लेंगे और कभी भी भूलने वाला काम नहीं होगा दोस्तों। तो बड़ा ही मजा आने वाला है इन फॉर्मूले को याद करने में और आप मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इन फॉर्मूले को प्रॉपरली लिस्ट रेडी करके अपने पास एक कहीं दीवार पर चिपका कर रख ले कि कभी भी आप लोग वहां से गुजरे तो वो फॉर्मूले आपके दिमाग में छप जाए। दोस्तों आज का वीडियो इन सारी चीजों पे होने वाला, अगर इन सारी चीजों को आपको समझना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_मंजूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को पूछना यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता, तो आप सिंपली आपके डाउट मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करूँ आज का वीडियो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप JR ट्यूटोरियल्स के हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और एक और चीज़, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, PDFs, नोट्स, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगी। तो स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। टॉपिक तो पहले ही पता चल गया आपको, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फ्रॉम मेंसुरेशन। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। पहला चीज़, पहला फॉर्मूला। अब पहले 2D फॉर्मूले एक स्लाइड में कवर करेंगे, फिर 3D फॉर्मूले सारे बाकी बचे हुए स्लाइड में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर साइड को अपन ने अज्यूम किया हुआ है ए। अगर साइड ए है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड ए, और ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब इसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर मतलब क्या, जितने भी साइड है सबको ऐड कर दो। मान लो ये ए है तो ये भी होगा स्क्वायर में, सबके सब क्या होता है, इक्वल होते, चारों ए हो गए। अब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएगा, 4a। इस तरीके से आपको याद करना, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा और पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू, ये सबको पता है। इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बहुत सारे बच्चे पेरीमीटर भूल जाते हैं। अब ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। तो सिंपल, लेंथ प्लस लेंथ, सॉरी देखो यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये चारों साइडों को ऐड कर दिया। अब देखो लेंथ प्लस लेंथ कितना हो जाएगा, 2 लेंथ। ब्रेथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा, 2 ब्रेथ। अब कॉमन निकालूंगा दोनों में से, एल 2 2 कॉमन निकालो तो यहाँ पे बच गया एल और यहाँ पे बच गया बी। तो एक्चुअल फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। अगर भूल जाए तो आप लोग सिंपली ये मेथड से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक और फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंटली मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन सर्कल पे। सर्कल आप लोग को पता है, यस बिल्कुल पता होगा, सर्कल का एरिया निकालता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तू मेरा यार, मैं तेरा यार, पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से याद कर लेना है। तो पाई आर स्क्वायर डन। उसी तरीके से हम लोग जाएंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब कि सर्कल की जो बाउंड्रीज होती है ना, उनको हम लोग को ऐड करना होता है। अब डायरेक्टली उसका फॉर्मूला तो नहीं याद कर सकते, तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस हो जाता है। तो पेरीमीटर होता है ना सर्कल में, वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल का वो ना होते हुए ये वो बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है दोस्तों, ये बन जाता है हमारा सर्कल का, क्या बन जाता है, सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, 2πr। याद हो गया, ये तीन फॉर्मूले मतलब तीन फिगर के फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। अब उसी तरीके से आप लोग आ जाओ इसमें, ये क्या है मेरा रॉम्बस है, क्या है ये रॉम्बस, रॉम्बस आर एच ओ एम बी यू एस, रॉम्बस है। ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम। उसी के साथ साथ ये आप लोग का ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद ये आपका है ट्रैपेजियम। तो ये कुछ फिगर्स मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखा दिए। अब इसके आप लोग को फॉर्मूले लिखना। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग किसका, रॉम्बस का। रॉम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, ठीक है। अब आगे पैरेललोग्राम का भी लिख लेते हैं, तो सेम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर होता है ट्रायंगल को पहले समझ, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। जब अपने को बेस और हाइट पता होगा ये अप्लाई कर सकते हैं। अब पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, बस हाफ हटा दो, लगा दो बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाता है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। इतना क्लियर हो गया। अब ट्रैपेज़ियम का भी सेम वैसे ही कुछ तो भी होता है, लेकिन देखो यहाँ पर दो बेस है, एक नीचे भी बेस है ऊपर भी बेस है, तो कौन सा बेस लें, तो हाफ लगा दो पहले, तो बेस की जगह पे खाली जगह रखो और हाइट को वैसे ही रखो। अब दो बेसेस है, एक ऊपर है एक बीच है, दोनों को ऐड करके लिख दो, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये डन। अब पेरीमीटर निकालना कौन सी बड़ी बात है, कोई भी निकाल सकता है। मान लो इसको मैं साइड 1 अज्यूम करता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, साइड 1
समझ में आ रहा है ये चीज। अगर मैंने इसको साइड वन अजीम के साइड वन, ये भी हो गया साइड टू, इसको अजीम करो तो ये भी क्या हो जाएगा साइड टू। ऐड करेंगे साइड वन प्लस साइड टू प्लस साइड वन प्लस साइड टू, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी याद करो कि जो ये अपना ट्रायल, ये क्या है हमारा, ये हमारा रॉम्बस है। रॉम्बस में सारे के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो साइड वन साइड टू का सवाल ही नहीं उठता है, ये भी साइड होगा ये भी साइड होगा। तो साइड वन प्लस साइड वन प्लस साइड वन प्लस साइड वन, फोर इंटू साइड। अब बात कर लीजिए ये क्या हमारा, ये हमारा पैलोग्राम है। ये बेस है तो ये भी बेस हो जाएगा, इसको बी मान लिया, इसको ए और इसको ए मान लेते हैं। अब ऐड कर दो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी कि टू ब्रैकेट के बाहर ए प्लस बी, आपके हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सेम टू सेम, अगर ये बी है इसको मैं अज्यूम करता हूँ ए, इसको अज्यूम करता हूँ सी, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेम टू सेम इसको भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो ये ए बी है, यहाँ पर लिख देते सी, यहाँ पर लिख देते टी, तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो भी आएगा जितने भी साइड रहेंगे सबको ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग को हमारा पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पेरीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप लोग को इन फॉर्मूले में आता है एरियाज में, तो वो आप लोग यहाँ से समझ कर कर सकते हैं। तो मेरे साथ टू डी फिगर क्लियर है सभी को, ये को यहाँ पर ये याद करके रख लो। ट्रापेजियम हम लोग को हमेशा याद नहीं रहता था, बहुत सही तरीके से मैंने आप लोग को याद कराया हुआ। सेम ट्राइंगल के फॉर्मूले जैसा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस डालना क्या है वहाँ पे सिंपल, बेस तो चेंज हो जाएगा वहां पर, दो बेसेस से ए प्लस बी आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं पहले टू डी फिगर पर, पहले थ्री डी फिगर पर, जो हमारा क्या है क्यूब है। सबको पता होगा फॉर्मूला, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी हम लोग भूल ना जाए, इसलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। अब सबसे पहले हमने देखें लैटरल सरफेस एरिया, जिसको अपन वर्टिकल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल सरफेस एरिया। अब वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब कि जो खड़ी दीवारें होती है ना, अज्यूम करो हम लोग एक रूम है। अब खड़ी दीवारें कितने होंगी रूम में, अगर अच्छा मतलब जो नॉर्मल रूम होता है उसमें खड़ी दीवार चार ही होंगे, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट राइट एंड फ्रंट, फ्रंट ये आगे वाला और बैक पीछे वाला, ऐसे चार दीवारें अज्यूम करो। अब एक साइड को मैं उठा लेता हूँ, मान लो एक साइड है ये साइड का, ये सॉरी एक एक फ्रेस को उठा लेता, यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। मतलब जितने भी सरफेस है सबका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, क्योंकि समझ में आ गई ये चीज़ है। अब आगे क्या, अब मेरे पास कितनी खड़ी दीवार है, चार खड़ी दीवार है, तो मतलब कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर हो जाएगा लैटरल सर्फेस एरिया, समझ में आ गया। अब टोटल सर्फेस एरिया पे, टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है, वो होता है लैटरल सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। क्या होता है, एरिया ऑफ बेसिस, मतलब क्या कितने बेसिस है इसमें। तो देखो यहाँ पर देखा है तो लैटरल सरफेस एरिया चार हो गए, बेस कितने, एक नीचे वाला बेस है और एक ऊपर वाला बेस, तो दो बेसिस है। तो लैटरल सरफेस एरिया कितना क्या, फोर ए स्क्वायर। अब बेसिस के एरिया पे जाते हैं, बेस भी स्क्वायर है ऊपर का भी स्क्वायर है, तो इसका एरिया होगा ए स्क्वायर और इसका भी एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा टू ए स्क्वायर। और आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे सिक्स ए स्क्वायर, इतना कंफ्यूज क्यों करा सर आपने, इतना कंफ्यूज क्यों करा, ये दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है। लेकिन दोस्तों अगर ये याद हो जाएगा ना, टोटल सरफेस एरिया का फंडा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, ये अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो आगे के जो फॉर्मूला बहुत सिंपल होने वाला है, बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, ये फंडे है ना आप लोग को आगे के फॉर्मूले में काम आएंगे, देखना बताऊंगा कभी जब आगे आएगा ना फॉलो तो समझेगा। वॉल्यूम के बारे में जान लेते सर, हम लोग को पता ज्यादा मत सीखो ए क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पर मैं तरीका बता दूँ, सिंपल तरीका। देखो यहाँ पर बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आगे काम आएगा, टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ वो समझो। एरिया ऑफ बेस, एक ही बेस लेना, दो बेस नहीं, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब यहाँ पे गौर करो बेस क्या है, यहाँ पर बेस है हमारा एक तरीके से स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर ये क्या है क्यूब है, क्यूब का हाइट क्या है ए, तो यहाँ पर लिख दो एरिया का स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर हाइट कितनी है ए, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्या हो जाएगा ए क्यूब। मुझे मालूम है सबको पता था ये फॉर्मूला, लेकिन तरीका याद कर लो कभी नहीं भूलोगे, ये तरीका याद रखो बस, ये और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को अभी बताने वाला, देखना सब में ये फंडा इस्तेमाल होगा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सब में इस्तेमाल होगा। आगे देखो कैसे, अब ये मेरा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को मैंने ऐसे बोल सकते हैं एक तरीके से दूर दूर कर दिया। आप लोगों ने अगर एवेंजर्स मूवी देखी रहेगी तो वहां पर टोनी स्टार्क ऐसे ही करता है, पहले फैला देता है फिर बाद में जोड़ के एक जैसा बना देता है। मान लो कि ये टोनी स्टार्क ही हूं मैं फिलहाल, सारी चीजों को मैंने दूर दूर कर दिया हुआ है। अब इसमें कितने सर्फेसेस, सिक्स सर्फेसेस है, इसमें टॉप वाला ये हो गया, बॉटम वाला ये हो गया, लेफ्ट में ये गया राइट में, मतलब राइट में ये गया लेफ्ट में ये गया फ्रंट में ये आया बैक में ये गया, इस तरीके से छह सर्फेसेस में तोड़ दिया। अब देखो ये लेंथ है ये ब्रेथ है ये हाइट है, उसी हिसाब से सबको मैंने लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया। अब जरा गौर किया जाए ना तो सारे के सारे सर्फेसेस यहाँ पर रेक्टेंगल ही हैं, लेकिन 3D में जब अपन देखते तो हम लोग को थोड़ा सा रॉम्बस टाइप में या फिर पैरेललोग्राम टाइप में दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सारे के सारे डायग्राम्स किस में है दोस्तों, ये सारे के सारे डायग्राम हमारे क्या है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, चलो इसमें अप्लाई करते हैं, पहले टॉप वाले में अप्लाई करते हैं, ये लेंथ ये ब्रेथ, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। उसी तरीके से बेस वाले में आ जाओ, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा,
अब इसमें आते हैं राइट साइड वाले में, यहां पर हमारा रेक्टेंगल तो है लेकिन साइड जो है वो बेस और हाइट है। उसी तरीके से फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब को बेस इनटू हाइट कर दो, सिंपल है कि नहीं, बस फॉर्मूले को उसके साइड के हिसाब से चेंज कर दो, ये भी क्या हो जाएगा बेस इनटू हाइट। समझ में आ गया, आप फ्रंट में आ जाओ, ये क्या हो जाएगा इसका लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा और सेम टू सेम इसका क्या हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट। ये समझ में आ गया, अगर ये क्लियर है तो बाकी सीरीज सॉर्टेड है। देखो कैसे, अगर ये समझ में आ गया ना आप लोग को तो बाकी चीज एकदम सिंपल है। कैसे, अब देखो लैटरल सर्फेस एरिया पे छापते हैं, लैटरल सर्फेस एरिया सबसे पहले वो क्या बताया था मैंने, खड़ी दीवार। अब यहाँ पे खड़ी दीवार कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4, उसी तरीके से यहाँ पर खड़ी दीवार 1 2 हो गए, लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक, टॉप बॉटम तो गिरी हुई दीवार है, सोई हुई दीवार है, उनको छोड़ देना। तो फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, फ्रंट में क्या है हमारा, फ्रंट में है लेंथ इनटू हाइट, ये पहला हो गया, बैक में है लेंथ इनटू हाइट, लेफ्ट में क्या है बेस इनटू हाइट और इसी तरीके से राइट में भी क्या है बेस इनटू हाइट। अब एलएच एलएच क्या हो जाएगा 2 LH, BH BH क्या हो जाएगा 2 BH, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो 2 कॉमन निकालो और एच भी कॉमन है, एच भी कॉमन निकालो तो बच गया एल प्लस बी। इसे याद रखना आप लोग को, अगर नीचे वाला चाहे तो भी याद रख सकते हैं लेकिन सिंपल वाला ये है 2 LH + 2 BH हमारा लैटरल सर्फेस एरिया, ये याद रखना आपको, मेन इंपॉर्टेंट ये होता है बट आप लोग इसको यहां तक भी लेके जा सकते हैं। समझ में आ गया, लैटरल सर्फेस एरिया क्लियर हो गया। अब जाएंगे टोटल सर्फेस एरिया, तो बैक स्लाइड पे आते हैं, जरा देखते हैं उस पर टोटल सर्फेस एरिया का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, वो बताया आप लोगों को लैटरल सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, याद रखना है। उसी तरीके से यहां पर भी सेम टू सेम क्या आएगा, लैटरल सर्फेस एरिया, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा लैटरल सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। तो इसको समझते हैं कितने बेसिस में, देखो एक टॉप बेस एक बॉटम बेस, इसको समझो तो लैटरल सर्फेस एरिया सिंपल ये वाला याद रखना है 2 LH + 2 BH। अब एरिया ऑफ बेसिस कितने बेस है, एक नीचे वाला बेस है एक ऊपर वाला बेस है, नीचे वाले बेस का एरिया LB, ऊपर वाले बेस का एरिया है LB, तो LB प्लस LB कितना जाएगा 2 LB। अब आप लोग थोड़ा शॉर्ट करके लिखना तो लिख सकते हो, कैसे देखो यहाँ पे इसको आगे लिख दो 2 LB, इसको बाद में लिखो 2 BH और लास्ट में लिख दो 2 LH। आप लोग आपके हिसाब से इसको शॉर्ट करके लिख सकते, सब में से 2 कॉमन निकाल लो, LB + BH + LH, यहाँ पर इस तरीके से आपका फॉर्मूला है थ्रू 2 ब्रैकेट के अंदर LB + BH + LH (). इस तरीके से आप लोग टोटल सर्फेस एरिया याद कर सकते हैं, भूल गए तो ये फंडा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस कैसा है यहाँ पर देखो, बेस यहाँ पर देखो रेक्टेंगुलर शेप का, कोई भी एक बेस पकड़ लो, कोई भी एक बेस, हाइट दूसरा हो जाएगा। अब से मैं ये बेस पकड़ता हूँ नीचे वाला, तो इसका बेस क्या है, ये बेस है LB, L × B हो जाएगा और हाइट क्या है H, तो एरिया ऑफ बेस क्या है L × B है और हाइट क्या है H, तो वॉल्यूम क्या होता है LBH, याद रखना LBH, ये आपका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। तो फॉर्मूला याद हो गया, पहला क्या पढ़ा अपन ने 2 × H ब्रैकेट में L + B, आपको याद ये वाला रखेंगे तो बेटर है। उसी के साथ साथ ये फॉर्मूला 2 × ब्रैकेट में LB + BH + LH, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया और नीचे बताया L + L × B × H, ये तीन फॉर्मूले मैंने आप लोगों को भी समझा दिया, ये सिंपल था। अब बहुत सारे बच्चों लोग को इसमें डाउट होता है सिलेंडर पर, सिलेंडर के लिए मैं आप लोगों को मेथड बता दूं, करना क्या, इसको कट कर दूं, यहां से मानो मैंने इसको कट कर दिया हुआ है, ठीक है, कट कर दूंगा, जब खोलूंगा ना तो ये खोलने के बाद कुछ रेक्टेंगुलर शेप कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, देखना अभी ध्यान देना, कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा, अगर खोलूंगा ना तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग कटिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसको समझते थोड़ा सा, हाँ थोड़ी चीज़ों को समझेंगे। अब ये हाइट और ये हाइट एग्जैक्टली सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ना एग्जैक्टली सेम हाइट है दोनों का, समझ में आ गया। अगर सेम नहीं है तो उसको सेम बनाने में कितना टाइम लगेगा, अगर सेम नहीं लग रहा है तो यहाँ पर इसको सेम कर देते हैं, हो गया सेम अभी, तो ये हाइट हो गई। अब ये चीज़ हमारे पास नहीं, तो मैं इसको देखता हूँ, देखो ये सर्कल है, अगर प्रॉपरली ऊपर देखूंगा तो सर्कल है, और सर्कल का लेंथ फाइंड आउट करना मतलब क्या फाइंड आउट करना, सर्कल का लेंथ फाइंड आउट करना मतलब क्या फाइंड करना, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना। तो सर्कल का आजू बाजू का लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, 2πr के फॉर्मूले से। तो उसी तरीके से ये सर्कल का आजू बाजू का जो सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे, बाय विच फॉर्मूला, 2πr। अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये लेंथ कितना होगा, 2πr होगा, समझ में आ गया। अब ये शेप पे जरा गौर करो, ये कैसा शेप दिख रहा है, ये शेप जो यहाँ पर अपन ने बनाया ना, ये शेप कैसा दिख रहा है, इस पर गौर करो, ये कैसा शेप है, ठीक है, ये पर जरा ध्यान देना, ये कौन सा शेप है दोस्तों, ये दिख रहा होगा आप लोग को रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अज्यूम करो ये लेंथ है ये ब्रेथ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यानी 2πr मल्टीप्लाई बाय h इज व्हाट सर्कल का सरफेस एरिया ऑफ योर सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया होता क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास है ना यहां पर एक बॉटल है। अब कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, जो कर्व्ड घुमा हुआ सरफेस है ना वो होता है कर्व सरफेस। इसमें ना दोस्तों लैटरल सरफेस नहीं लिखा, देखो क्या लिखा, कर्व सरफेस, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर घुमा हुआ सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, इसलिए यहां पर जो सरफेस आएगा वो कर्व्ड आएगा, समझ में आ गया। अब अगर स्ट्रेट सरफेस फ्लैट सरफेस होता तो उसको बोलता है लैटरल सरफेस, लेकिन यहां पर कैसे सरफेस है, कर्व्ड घुमा हुआ सरफेस, इसलिए मैं इसको कर्व सरफेस बोल रहा हूं।
समझ में आ गया, तो इसलिए 2 पाई आर एच हो गया। अब देखते हैं टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया मैंने बताया आप लोगों को क्या होता है, जस्ट पीछे चले जाओ, ये होता है लैटरल सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अब यहां पर हमारे पास लैटरल नहीं है, यहां पर कर्व सर्फेस एरिया, तो यहां पर लिखो कर्व सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। अब दो टाइप के ढक्कन होते हैं, मान लेते हैं कि आपका, अज्यूम करते हैं कि कोई मेरा एक फ्रेंड है, उसके वो स्टेशन के ऊपर बैठता है। अब बैठता है मतलब ऐसे नहीं बैठता, वो डब्बा लेकर बैठता है, तो ये एक एग्जांपल की तरह, इसको दिल पे मत ले लेना, ठीक है। तो वो डब्बे को देखते हैं, अगर देखो जो डब्बा लेकर बैठ रहा है अगर ऊपर से और नीचे से खोखला है, तो जो पैसा डालने आएगा जो बंदा, वो भीख मांग रहा है अज्यूम करो, और उसके अंदर पैसा डालने आएगा तो पैसा नीचे गिर जाएगा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक ढक्कन लगा देंगे। तो उस केस में हमारे पास जो अब फॉर्मूले में बेस कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा। लेकिन अज्यूम करो आपके घर के आटे का डब्बा, वो सर्कुलर भी होता है, ऊपर से भी ढक्कन नीचे से भी बंद होता है, तो दोनों तरफ क्या होते हैं, बेस होते हैं। उस केस में हमारे पास 2 बेस आ जाएंगे, एक ये वाला बेस, एक नीचे वाला बेस। तो अपने अकॉर्डिंगली अपने नीड के हिसाब से आप बेस डाल सकते हैं यहाँ पे। तो कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच ही रहेगा। अब बेस हमारे पास देखो, मान लो ऊपर नीचे दोनों जगह से बंद डब्बा है, उस केस में हमारा देखो 2 बेसेस आएंगे। अब ऊपर वाला बेस कैसा सर्क्यूलर है, नीचे वाला बेस कैसा सर्क्यूलर है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब 2 सर्कल इसलिए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 बेसेस इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई आर आर कॉमन है, तो 2 निकाला, पाई निकाला, आर निकाला, यहाँ बच जाएगा एच, और यहाँ से एक आर बाहर निकाला, तो यहाँ पर बच जाएगा एक आर। समझ में आ गया, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब वॉल्यूम पे आते, तो वॉल्यूम के लिए मैंने दोनों बार आपको फॉर्मूला दिया क्या, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखते हैं यहाँ पर बेस कैसा है, यहाँ पर बेस ज़रा ध्यान दोगे तो ये सर्कुलर बेस है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दो पाई आर स्क्वायर, और हाइट तो पाई आर स्क्वायर एच आपका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हो गया वॉल्यूम। तो इसको दिमाग में डाल लेना, इस तरीके से आप लोग है ना ये 3 फिगर याद कर सकते हो, अगर ये 3 फिगर आपको याद है, आएगी फिगर तो बहुत ईजी है। देखो चलो सबसे पहले आप कौन देखेंगे, अब कोण को याद करना है तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। कोण में 3 चीजें होती हैं, पहला कोण का जो जो टेढ़ा वाला हाइट होता है उसको बोलते हैं स्लांट हाइट, और कोण का अगर सीधा हाइट पकड़ेंगे तो होगा हाइट, उसके बाद एक रेडियस होगा, 3 टर्म्स आप लोगों को इसमें याद रखना है। अब यहां पे आ जाते हैं, अगर ध्यान देंगे तो ये मेरा स्लांट हाइट है, ये मेरा हाइट है, और ये रेडियस है, तो ये बन रहा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना यहां पर, तो इसमें हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, पाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज मेरा क्या, एल, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यहाँ पर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साबित होता है। अब इसको यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया में घुसता है। अब कर्व सरफेस एरिया को याद करने के लिए एक लड़की को आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अब कोई दिल पर नहीं लेगा, कोई बच्ची अगर जिसका नाम आ रहा हो दिल पर मत लेना दोस्तों, क्योंकि एक एग्जाम्पल याद करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अज्यूम करो कि आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई फ्रेंड है, जो कोई भी लड़की हो सकती है, जिसका नाम है पर्ल। क्या नाम है, पर्ल। तो कौन को याद रखना, तो पर्ल को याद रखना, और पर्ल का जो चेहरा है वो कोन शेप का, तो उसको अगर कौन शेप को अपन छुएंगे तो कैसा आएगा, पर्ल का चेहरा याद करना बस। अब पर्ल की स्पेलिंग आप लोग याद करेंगे तो आपको लग रहा है सर पर्ल की स्पेलिंग तो PEARL है, तो यहां पर मैं आप लोग को PEARL याद करना नहीं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा आप लोग को PIRL याद कर लो, ये भी क्या होता है, पर्ल ही होता है, PIRL पर्ल। अगर ये याद है, याद रखना कौन के टाइप पे लड़की का चेहरा कैसा, कौन जैसा है और उसका नाम क्या है, पर्ल। तो पर्ल का चेहरा कौन जैसा है और उसका फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा, PIRL, PI मतलब हो गया पाई और RL, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया PIRL, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। अब इसका अगर मैं एक्चुअल मेथड बताऊंगा तो सारी की चीजें भूल जाओगे, सारी की सारी चीजें भूल जाओगे, पहले फॉर्मूले भूल जाओगे, आगे जाओगे वो भी याद नहीं रह जाएगा। इस तरीके से आप लोग बेसिक एग्जांपल के साथ याद कर सकते हो, याद हो जाएगा। अब टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है, कर्व सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस होता है। अब ध्यान दोगे तो यहां पर ना एक ही बेस है, और कर्व सर्फेस एरिया तो आपने जस्ट निकाला, कितने बेस है देखो ध्यान दो, ये एक ही बेस, ऊपर तो बेस ही, नीचे ही सिर्फ बेस है, और नीचे का बेस कैसा सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, यहाँ बच जाएगा एल, यहाँ पे बच जाएगा आर, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कोन। अब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाने चाहिए, अब तक तो याद हो जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बट कंडीशन ये है कि फिगर कैसे होने चाहिए स्ट्रेट। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिगर हमारा एकदम सीधा था, कुछ टेढ़ा नहीं है, फिगर एकदम सीधा था, कुछ टेढ़ा नहीं है, यहाँ पर ये फिगर एकदम स्ट्रेट था, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, तो इसमें सब में सिंपल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालना है, अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम याद है क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, बस उसमें 1/3 लगा दो, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से आप लोग वॉल्यूम ऑफ कोन याद कर सकते हो। सिंपल है, इजी था ना दोस्तों, तो इस तरीके से आपने 3 फॉर्मूले इसके भी याद कर लिए, बहुत इजीली याद कर लिए।
अगर आपको ये याद है तो आप लोग को फर्स्ट टर्म ऑफ कोन भी याद हो जाएगा। मतलब क्या, कोन को अपन ने ऊपर का हिस्सा निकाल दिया, मान लो कि आइसक्रीम खा रहा हूँ, नीचे का पहले खा लिया, तो इतना पार्ट बच जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ये कर लो, आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने आर वन अज्यूम किया छोटा, आर आर टू को अज्यूम किया बड़ा, तो आप लोग इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। ये आर वन को मैं यहाँ से अरे अल्लाह, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ पर से मैं गायब करके यहाँ पर लेके आता हूँ, इन दोनों को सबको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इधर पे लिख देता हूँ मैं आर टू, यहाँ पर लिखता हूँ मैं आर वन। मतलब क्या, मेरा आर वन जो है आर टू से बड़ा है, ये याद रखना। ठीक है, ये कंडीशन डाल सकते हो, उल्टा भी चले कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला उसके हिसाब से डिजाइन कर लेना। पहला बेसिक फॉर्मूला आपको याद करना है जो आपने यहाँ पर पढ़ा था, ये वाला। अब इसके लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, तो रिलेशन आता है, देखो ये फॉर्मूला बनता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आर कौन सा लेंगे, ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आर का रिलेशन बनेगा, देखो बड़ा कौन है, आर वन, आर वन माइनस आर टू का। इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद कर लेना, क्या आएगा फॉर्मूला, आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आप लोग को याद हो गया तो बहुत सिंपली आप लोग बाकी के फॉर्मूले याद कर सकते हो। अब यहाँ पे आर वन बड़ा है इसलिए आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर लिखा, अगर आर टू बड़ा होता तो आर टू माइनस आर वन का स्क्वायर लिखा, सिंपल है। अब कर्व सरफेस एरिया पे ध्यान देते हैं, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, बस अब देखो आप लोग कोन का फॉर्मूला याद आना चाहिए। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल था, तो पहले पाई लिख दो, एल लिख दो, आर यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं पहले, मालूम है क्योंकि यहाँ पे दो आर है। अब कौन सा आर लेंगे उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, तो यही दिक्कत आप लोग को मैं यहाँ पर इजी करके देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देना, दो आर है तो यहाँ पे लिख दो आर कैपिटल आर प्लस, सॉरी कैपिटल आर नहीं, सॉरी क्या लिखेंगे आप लोग, आर वन प्लस आर टू लिख देंगे। देखो फॉर्मूले में सिर्फ यही पर माने जाता है, बाकी सब फॉर्मूले में प्लस आएगा, ये समझ में आ गया, पाई एल आर वन प्लस आर टू। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है कर्व सरफेस एरिया, क्या होगा फॉर्मूले में, टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। ठीक है, ये होगा। अब कर्व सरफेस एरिया क्या आया, पाई एल आर वन प्लस आर टू आर। अब बेसिस पे एरिया ऑफ बेसिस, कितने बेसिस है यहाँ पर, दो बेसिस, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, दोनों भी कह रहे सर्कुलर है। इसका एरिया होगा पाई आर टू का स्क्वायर, इसका एरिया होगा पाई आर वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखता हूँ पाई आर टू का स्क्वायर प्लस पाई आर वन का स्क्वायर, हो गया इतना। आप लोग चाहे तो सब में से पाई कॉमन निकल, जैसा आपको लिखना है वैसे लिख दो, अदरवाइज ऐसे भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पाई एल आर वन प्लस आर टू, और इसमें से पाई कॉमन निकलो, यहाँ पे आ जाएगा आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का। ये फॉर्मूला बनता है आप लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, ये आपका क्या है, ये आप लोग का फर्स्ट टर्म ऑफ कोन है। अब वॉल्यूम की बात कर ले तो सेम, वन अपॉन थ्री लगाना है, पाई लगाना है, एच लगा के रख दो, फॉर्मूला क्या था, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, इसमें था किसमें, कोन में, बस यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज कर देनी। अब यहाँ पर दो आर है तो उसके हिसाब से आर चेंज होते हुआ, आर का फॉर्मूला बनेगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन आर टू, ये फॉर्मूला आप लोग का। इस तरीके से आपको ये याद करना पड़ेगा, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसे, बस यहाँ पे टू गायब कर रहा है, इस तरीके से ये फॉर्मूला भी रेडी, तो बन गया आप लोग का फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। अब कुछ दो फॉर्मूले और आपको फटाफट से बता दूं, जैसे कि आप लोग को स्पीयर और हेमिस्फीयर भी बता देता हूँ। स्पीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया आपको पता करना है तो आप लोग को चार सर्कल अज्यूम करना पड़ेगा, एक सर्कल मान लो ऐसा है, एक ऐसा है और एक और ऐसा है, तो चार सर्कल अज्यूम कर लिया। जैसे कि हमारा हमको लग रहा है ये कैसा है, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसा फिगर बन गया। अब कर्व सरफेस है चार सर्कल, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, चार सर्कल का फोर पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो कोई भी फ्लैट सर्फेस नहीं है, तो जो कर्व सर्फेस रहेगा वही टोटल सर्फेस होगा, यह होगा, तो यह जगह फोर पाई आर स्क्वायर ही रह जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या करना है, फोर वैसे रखो, पाई वैसे रखो, आर वैसे रखो। वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूब होता है, यहाँ पर क्यूब लगा दो और यहाँ पर थ्री लगा दो, यहाँ पर भी थ्री लगा दो, ऐसे करके याद रखना, क्या हो जाएगा, फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर रहेंगे तो इसका एक्जैक्टली हाफ हो जाता है कर्व सरफेस एरिया, तो फोर था तो यहाँ पर क्या जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस ये वाला दिख रहा है, तो यहाँ पर एक सर्कल ऐड हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर स्क्वायर, वैसे के वैसे दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, थ्री पाई आर। इस तरीके से आप लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर। वॉल्यूम की बात करें तो एक्जैक्टली इसका हाफ कितना हो जाएगा, टू अपॉन थ्री पाई आर। इस तरीके से आप लोग ने क्या कर लिया, हेमिस्फीयर स्पीयर के भी फॉर्मूले याद कर लिया। तो साथ मैंने आप लोग को फिगर के, थ्री डी फिगर के फॉर्मूले याद कराए, और साथ मैंने आप लोग को टू डी फिगर के फॉर्मूले याद कराए। तो मेरे हिसाब से सारे फॉर्मूले आप लोग को डन हो गए रहेंगे, आपकी रिक्वेस्ट मैंने ये फॉर्मूले कर दिए रेडी, और आप लोग को इस वीडियो में मिल चुका होगा।
अगर ये सारे फॉर्मूले आप लोग को क्लियर हो गए रहेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोग ने अच्छे तरीके से नोट्स लेके तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप लोग चाहे तो आप लोग को ये पीडीएफ, ये जो भी फोटोज है मैं आप लोग को अवेलेबल करवा दूंगा, अपने पास आप लोग को मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ भी दिक्कत तो आप लोग बिंदास मुझसे पूछ के यहाँ पर क्लियर करके ले सकते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना कि हाँ सर ये वीडियो हम लोग को चाहिए था, अगर समझ में आ गया सारी चीजें मिलकर क्लियर हो गया तो दोस्तों यस लिख देना, अदरवाइज कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो उसके लिए मैं आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, क्या करना है तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। फिर तब तक के लिए सी ट्यून एंड गुड।